얼굴이. देवी गेस करो मैं मार्केट से क्या लाई हूँ। पक्का कुछ खाने की चीज आएगी। ओ बेबी यू आर सो इंटेलिजेंट। सच में ना हद हो गई आपकी। अब मैंने क्या कर दिया? सिलेंडर आपने लगाया था? हाँ। पता नहीं कैसे लगाया है, दो बार खाना बनाया दोनों बार जल गया। भगवान है कहाँ रे तू? सारे पैसे निकाल लिए। इसका नाम रोज का हो गया है। अब बताओ नेहा, नेहा क्या है? पैसे तुमने निकाले? हाँ तो कम तो नहीं रहे? अगर और चाहिए तो बता दो, शाम को एटीएम से निकलवा लूंगा। हाँ निकलवा लाना। ओके। ओह शिट, ओह शिट। वैसे आपको एक बात पता है? क्या? हर पागल इंसान ये बोलता है कि वो पागल नहीं है। हाँ ये बात तो है। अब आप ही बताओ, आप पागल हो? नहीं बिल्कुल नहीं। तुम ना पहले अपनी हरकतें सुधार लो। तुम पहले अपने आप को देखो और ये ना अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख लो। अगर नहीं किया तो फिर मैं करूंगा। गुड। सुनो कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, सुबह 8 बजे कुत्तों की रेस है, मुझे वहाँ जाना है। वैसे आप भी ना हद करते हो, आपसे ठीक से चला तो जाता नहीं और रेस लगाने की पड़ी है। और भाई क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया, तुम सुनाओ भाई कैसे हो? ये बड़ा एटीट्यूड है यार, बोल ही नहीं रहा। अरे इसको कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो ऊंचा बोल। ऊंचा। ओ टिंगने इधर आ, चल निकल। मार रहा गाय को है। चल भाई, मेरे को वो लोग मार रहे भाई, चलना भाई, चले निकल। अब मारना, मेरे साथ मेरा भाई आया है, ये देख। ए भाई किसकी तरफ से हो, लड़के वालों के या लड़के वालों की तरफ से? शादियों में बस खाने के लिए पहुंच जाते हो। एक मिनट भाई, लड़की वाले वाला किसी से ऐसे बात करते हैं क्या? चलो ठीक है, इनविटेशन नहीं था, भूख लगी तभी तो आया ना। अरे इससे ज्यादा खाना ना लोग छोड़ देते हैं शादियों में। लेकिन भाई इतनी छोटी सोच मत रखो यार, अरे खाते समय दुश्मनों को भी नहीं टोका करते, ठीक है? सॉरी भाई, थैंक यू भाई। अबे थैंक यू छोड़, ऐसे माहौल में जाया कर तो कपड़े थोड़ा ढंग का पहना कर, मुझे देख। नो 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 नो। दो पीस रसगुल्ला देना। ओ भाई ओ यार, ये भी जहाँ जाता है वहीं बेइज्जती कराता है। भाई ऐसा क्या हो गया? अबे यार इसको मैंने बोला कि अच्छी जगह लेके जा रहा हूँ, वहाँ ना अपनी बातें थोड़ी बड़ी बड़ी रखी हो। तो भाई इसने क्या कहा? अबे वहाँ जाके कह रहा है कि यार ट्रेन की चाबी दियो पार्किंग में लगा दूँ।
सर भी अरे रुको रुको मैं लेती हूँ ठीक है पट से हेड शॉट कीप द सीन अरे यार इतनी ठंड पड़ रही है हमारे हाथ जाम हो गए इन लड़कियों को ठंड नहीं लगती क्या अरे लड़कियों को ठंड नहीं लगती क्यों भाई ये आपस में ही देख के एक दूसरे को जलती रहती है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई और साले साहब सब बढ़िया हाँ बढ़िया जाजी जाजी निकलता हूँ मैं अरे अरे तुम्हारे साले से खाने का तो पूछ ले अरे साले साहब खाना घर से खा के आए हो या वापस जाके खाओगे ए हुस्न की मलिका अंधे को 10 रुपया दे दे इसने मुझे हुस्न की मलिका कहा दे दो 10 रुपये बेचारा सच में अंधा है मैं बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ तो भाई इलाज कराना अपना अरे 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 मुझे गोद में क्यों उठा रहे हो पंडित जी ने रोमांस करने को बोला है क्या नहीं यार पंडित जी ने बोला कि अपने दुख और दर्द खुद ही उठाओ आ सर अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है आपको डॉक्टर साहब मुझे कोई भी बात 1 मिनट से ज्यादा याद नहीं रहती ओ तो ये दिक्कत आपको कब से है क्या कब से है अपना फोन देना अरे देना लॉक खोल के दे ओह नो मैंने अपना फिंगरप्रिंट भूल गया यार यार कम से कम फिंगरप्रिंट तो याद रखना चाहिए सॉरी यार आगे से याद रखूंगा ना ठीक है तुझे खाना बनाना नहीं आया शादी से पहले क्यों नहीं बोला सरप्राइज तुम मुझसे प्रॉमिस करो मेरे अलावा किसी और को नहीं पटाओगे बिल्कुल नहीं पटाऊंगा बेबी बिल्कुल नहीं अरे सम्राट भाई क्या हो गया रो क्यों रहे हो वो तो कितना प्यार करती है तुमसे प्यार तो करती है ठीक है पर मुझे रोना इस बात पे आ रहा है उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं और भी पटा सकता हूँ बॉयफ्रेंड बनेगा मेरा नहीं नहीं क्यों मेरी मर्जी बनेगा बनूंगा औरतें लड़ाई के टाइम अपने पति से एक ही बात बोलती हैं कि पूरी दुनिया घूम लो पर मेरे जैसी नहीं मिलेगी और आदमी अपने मन में क्या सोचता है कि मेरे दिमाग में कीड़ा है पूरी दुनिया घूम के भी तेरे जैसी लाऊंगा
बता तुझे कैसा पति चाहिए? करोड़पति। करोड़पति नहीं मिला तो? 50-50 लाख के दो भी चलेंगे। वो भी नहीं मिला तो? 25-25 लाख के चार भी चलेंगे। अरे 100 रुपए हो जाए तो हमको ही बता देना। कहीं मैं मातो नहीं बनने वाला। ये पटाका कौन है? भाभी है तेरी। अच्छा इसकी कोई बहन है? नहीं। फ्रेंड तो होगी? सब कमिटेड है। मम्मी यार प्रेम एक चीज बता। हाँ पूछ। तेरा बेस्ट फ्रेंड और तेरी गर्लफ्रेंड एक साथ नदी में डूब जाए तो तू किसको बचाएगा? किसी को भी नहीं बचाऊंगा, दोनों साथ में कर क्या रहते हो? शर्म नहीं आती शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरतों को घूर रहे हो? ऐसा कहाँ लिखा है कि उपास हो तो खाने का मेन्यू नहीं देख सकते? बेबी शादी के बाद ऐसी कौन सी चीज होगी जो सिर्फ आपकी होगी मेरी नहीं? गलती? हाँ। पहले आप हम पे मरते हैं, फिर कुछ दिन बाद हम आप पे मरते हैं, फिर जब हम आप पे मरने लगते हैं तब आप कहीं और मरने लगते हैं। तो जाइए फिर उन्हीं पे मरिए जा करके। ले किसी का आया भाई इसको दे देना। बेबी मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगा। क्यों? साली तेरे चक्कर में उधार इतना हो गया, जीना मुश्किल हो गया। ऊपर से जो कल्लू हलवाई के पास जाके जलेबियां ठूसती है उसका क्या करूं? मैया कसम मार दिया, ये बात सही ना लगी तेरी। अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे साथ लड़। नहीं मैं औरत का बच्चा है। औरत के बच्चे मेरे साथ युद्ध करो। भाई वो सब तो ठीक है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? भाई मुझे तो पनीर चिली बहुत पसंद है। ओ भाई तुझे? मेरे को यार नमकीन बहुत पसंद है, मस्त लगती है। भाई तुझे क्या पसंद है वैसे? मुझे मीठा बहुत पसंद है। और भाई खाली हो? हाँ। और भाई कहाँ चलना है? आओ पबजी खेलते हैं। हेलो। हेलो कौन? मैं सीता बोल रही हूँ। ओ तेरी अयोध्या में लग गया, माता जी गलती हो गई। भगवान तुम्हारी जोड़ी 7 जन्म तक बना के रखते हैं। चल दे इधर दे। और भगवान करिए तुम्हारा 7वां जन्म और आपकी मृत्यु कल हो जाए। माँ कसम, तेरी कसम भाई। ये ले 200 रुपए रख। सुनो जी अब औरतों को भी शनि मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिल गया है। अब पता चलेगा शनि देव को। 7.5 ही किसे कहते हैं।